हेलो दोस्तों, मैं नीरज पंवार, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस लेक्चर सीरीज में हम पढ़ रहे हैं भारतीय कला और संस्कृति को। लास्ट टाइम जब हम मिले थे, हमने मंदिर वास्तुकला पढ़ा था, जो गुप्त साम्राज्य के समय जितना भी मंदिर का जो विकास हुआ। आज हम देखेंगे गुप्त साम्राज्य के बाद क्या क्या परिवर्तन हुए, कौन कौन से जो प्रांतीय स्कूल बने। ओके, चलिए बात करते हैं गुप्तोत्तर काल की। गुप्त काल के बाद क्या क्या हम पढ़ेंगे मंदिर में। तो सबसे पहले हम देखते हैं मंदिर की विशेषताएं, मंदिर में होता क्या क्या है, क्योंकि ये जो पूरा लेक्चर है ये मंदिर के ऊपर ही है। और मंदिर से जनरली एक क्वेश्चन हर दूसरे साल यूपीएससी में निकल जाता है, प्रीलिम्स में पूछ लिया जाएगा एक के बाद एक कौन से मंदिर बने। तो यदि सबसे पहले बात की जाए गर्भगृह, गर्भगृह क्या होता है, जहाँ पर मुख्य जो देवी देवता है उसका जो कक्ष होता है उसको गर्भगृह बोला जाता है। मान लीजिए यहाँ पर एक कक्ष हो गया तो इसको गर्भगृह बोल दिया गया। मंडप जो होता है वो मंदिर का प्रवेश होता है, बरामदा हॉल, जहाँ लोग इकट्ठे होकर पूजा कर सकें। गर्भगृह के बाद एक हॉल बना दिया जाएगा जहाँ पर लोग पूजा कर सकें, उसको मंडप बोला जाता है। शिखर जो होता है वो एक पर्वत के समान एक संरचना होती है, पिरामिड की आकृति की, वक्रीय भी वो हो सकती है, जो कि गर्भगृह के ऊपर बना दी जाती है, उसको शिखर कहा जाता है। वाहन क्या होता है, एक मुख्य देवी देवता का वाहन जो गर्भगृह के सामने स्थापित कर दिया जाता है। जैसे कि यदि एक भगवान शिव का मंदिर है तो उनके सामने नंदी को स्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, मंदिर में हम तीन शैली पढ़ेंगे, नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली। नागर शैली जो कि उत्तर भारत में प्रसिद्ध थी, द्रविड़ शैली जो कि दक्षिण भारत में प्रसिद्ध थी, और वेसर शैली जो कि नागर और द्रविड़ को जो मिलाकर बनी वो वेसर शैली, उसको हम पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं नागर शैली की। नागर शैली जो थी वो 5वीं शताब्दी के बाद उत्तर भारत में विकसित हुई। नागर जो शब्द है वो नगर शब्द से बना है, और ऐसा माना गया सर्वप्रथम नगर में इनका निर्माण होने के कारण इनको नागर की संज्ञा प्रदान की गई। और नागर शैली का जो प्रसार है वो हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक देखा जा सकता है। और वास्तुशास्त्र के अनुसार जो मंदिरों की जो पहचान है वो आधार से लेकर उनके जो सर्वोच्च अंश तक है, इसका चतुष्कोणीय होना है। चतुष्कोणीय मतलब चार कोणीय होना, चार कोण होना, ये चार कोण। और जो विकसित नागर शैली में क्या होता है, गर्भगृह होता है, उसके सामने फिर अंतराल, मंडप, अर्धमंडप, ये हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे। और एक ही अक्ष पर दूसरे से संलग्न इन भागों का निर्माण किया जाता है। बाद में फिर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में नागर शैली की कुछ उप शैलियाँ विकसित हुई, जो हम आने वाले सीरीज में देखेंगे। ये नागर शैली का मैंने एक चित्र यहाँ पर लगाया है, यदि आप इस मंदिर को ध्यान से देखें, ये मंदिर का मुख पूर्वी दिशा में है। ये जो ये आप नींव जो देख रहे हैं, इस नींव को बोला जाता है अधिष्ठान, अधिष्ठान। और इसके ऊपर जो ये जो लेवल यहाँ पर निकल कर आया, इसको बोला जाएगा जगती, प्लेटफॉर्म। जगती के बाद जब आप एंटर करेंगे तो उसको बोला जाएगा अर्धमंडप। जब उसके अंदर जाएंगे आप, अर्धमंडप के बाद आपका आएगा मंडप, और मंडप के बाद फिर आएगा आपका महामंडप, और महामंडप के बाद फिर आएगा अंतराल, जो कि अंतराल के अंदर आप महामंडप से जा सकते हैं गर्भगृह में। महा यदि आप फिर बाद में देखें, अंतराल के बाद आपका जाएगा जो हमारा गर्भगृह, लेकिन गर्भगृह के दोनों ओर कुछ शिखर भी बनाए गए हैं। गर्भगृह जो है उसके ऊपर एक मेन शिखर बनाया गया है, और उस मुख्य शिखर के आसपास कुछ उप शिखर बनाए गए हैं। यदि आप शिखर को देखें, शिखर के ऊपर एक अमालक जो बनाया गया है, एक वृत्ताकार आकृति है, और उस अमालक के ऊपर फिर एक कलश रखा गया है। तो ये एक कांदरिया महादेव टेम्पल जो मंदिर है उसका एक चित्र लगाया गया है। ये पूर्ण नागर शैली यहाँ पर प्रदर्शित करता है। बाद में जब आप मंदिर देखेंगे, किसी में आपको अंतराल मिलेगा, किसी में नहीं मिलेगा, किसी में आपको तीन जो मंडप है उनकी जगह केवल एक ही मंडप मिलेगा, महामंडप वहाँ पर नहीं मिलेगा, अर्धमंडप नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और ये जो कलश है, कलश के नीचे फिर अमालक, और फिर ये जो मेन शिखर जो आया है, इसके अंदर फिर होता है गर्भगृह, और इसके आसपास जो दूसरे शिखर हैं उनको बोला जाता है उपशिखर। अब नागर शैली की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। ये एक पंचायतन शैली में निर्मित मंदिर होता है, पंचायत शैली जिसमें पांच सहायक मंदिर हों। जो जगती है वो हमारा जो उठा हुआ जो स्थान है जिसके ऊपर मंदिर बना होता है, धरातल से उठा हुआ स्थान। अधिष्ठान जो बोला जाता है इसको बोला जाता है जो बेस प्लेटफॉर्म है। जो मुख्य देवी और देवता के सामने एक होल होता है जिसको मंडप कहा जाता है, और कई बार इसके कुछ प्रकार भी होते हैं, अर्धमंडप जो कि हम पढ़ चुके हैं पहले।
गर्भगृह के बाहर ज़्यादातर संभवतः गंगा और यमुना देवियों की मूर्तियाँ लगाई जाती हैं। जलाशय की यहाँ पर कोई उपस्थिति नहीं होती, ये आप ध्यान रखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहाँ पर जलाशय यहाँ पर नहीं बनाया जाता, जबकि द्रविड़ शैली में जलाशय बनाया जाता है। मंदिर का जो आधार है वो संभवतः जनरली सामान्यतः ऊंचा रखा जाता है। बरामदा जो है, मंडप जिसको आप बोल सकते हो, वो स्तंभों पर टिका होता है। शिखर के साथ कई बार आपको उपशिखर भी देखने को मिलेंगे। उसके बाद अमालक आएगा, फिर कलश आएगा, और फिर सामान्य चार दीवारी यहाँ पर उपस्थित नहीं होती, जो कि द्रविड़ शैली में उपस्थित होती है। अब शिखर हम देख लेते हैं। शिखर जो है उसको तीन तरीके से हम बांट सकते हैं, लतीना शिखर या रेखा प्रसाद शिखर, फामसना शिखर और वल्लभी शिखर। ये जो पहला चित्र है वो लतीना शिखर का है, दूसरा जो है वो फामसना शिखर का है, और तीसरा जो है वो वल्लभी शिखर का है। लतीना या रेखा प्रसाद शिखर में क्या होता है कि आधार पर एक वर्गाकार एक स्ट्रक्चर होगी, और उसके ऊपर उसको ऐसे बनाया जाएगा कि वो एक बिंदु की ओर केंद्रित हो। यदि आप देखो, ये नीचे से एक वर्गाकार है लेकिन ऊपर ये एक बिंदु की ओर जा रहा है, ओके। ये जनरली वक्रीय होता है। यदि फामसना की बात की जाए, फामसना क्या होता है, वो उसका जो सबसे जो यूनिक पॉइंट ये है कि यहाँ पर ये वक्रीय है लेकिन यहाँ पर ये एक सीधा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, और इसका जो आधार है वो लतीना से बड़ा होता है और जो लंबाई है वो लतीना से छोटी होती है। तो आधार, ये जो यदि आप इसको ऊपर से देखेंगे इस लेवल पे, तो इस लेवल का जो ये वाला आपको आधार देखेगा ये इससे बड़ा होएगा, लेकिन जो इसकी लंबाई है ये वाली, ये छोटी हो जाएगी फामसना के अंदर। वल्लभी की यदि बात की जाए, इसका जो आधार है वो आयताकार होता है। यदि आप इसको ऊपर से देखेंगे ये कैसे आपको आयताकार देखने को मिलेगा, और ऊपर की ओर क्या होता है कि ये मेहराब नुमा चलता है। यहाँ पर एक मेहराब, यहाँ पर एक मेहराब, फिर उसके ऊपर मेहराब, फिर उसके ऊपर मेहराब, और फिर यहाँ एक मेहराब। तो जो वल्लभी जो शिखर है वो मेहराब नुमा होता है। अब नागर शैली की यदि बात की जाए, तो उसमें मुख्य जो देवी देवता है उसके साथ कुछ और देवी देवता भी रखे रहते हैं, उनको स्थापित किया जाता है। तो यदि तीन देवी देवता वहाँ पर रखे गए हैं तो उसको त्रिरत्न बोला जाएगा, पांच रखे हैं तो उनको पंचरत्न बोला जाएगा, और छह रखे हैं, सात रखे हैं तो सप्तरत्न, और फिर ऐसे ही नवरत्न। ये तो होगी मंदिर के ग्राउंड प्लान की बात कि आप उसको त्रिरत्न बोल रहे हो, पंचरत्न बोल रहे हो या सप्तरत्न बोल रहे हो। यदि त्रिरत्न की बात की जाए तो ये एक मंदिर के स्ट्रक्चर में ऐसे बना रहा हूँ, तो 1, 2, 3, 4, 5 ये कहलाएगा। यदि एक मंदिर की एक साइड है तो ये कहलाएगा पंचरत्न, फिर ऐसे इधर आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 फिर ऐसे इधर जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मंदिर की आप एक साइड पकड़ो और उसमें देखो कितनी सीढ़ियाँ हैं। अगर वो सीढ़ियाँ एक साइड में टोटल पांच बननी है तो पंचरत्न है, तीन बननी है तो तीन त्रिरत्न है, सात है तो सात रत्न है। ये तो हो गया ऊपर से देखने का। यदि आप नीचे से देखोगे तो नीचे आपको तीन देवी देवताएं मिलेंगे त्रिरत्न के लिए, पंचरत्न के लिए पांच देवी देवता मिलेंगे। नगर शैली को हम तीन स्कूल में विभाजित किया जाता है, ओडिशा स्कूल, खजुराहो स्कूल और सोलंकी स्कूल। एक एक करके हम तीनों को देखेंगे। ओडिशा स्कूल की बात करते हैं। ओडिशा स्कूल में जो शिखर है उसको देउल बोला जाता है। तो रेखा जो देउल है वो विष्णु, सूर्य और शिव को समर्पित है। पीड़ा जो देउल है वो विष्णु, सूर्य, ये भी शिव को समर्पित है। और जो खाकरा जो देउल है वो चामुंडा या दुर्गा को समर्पित है। इसमें मंदिर को बनाने वाले जो लोग हैं उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो कर्ता है वो मंदिर का मुख्य संरक्षक होता है, राजा होता है। मुख्य जो स्थापति होता है वो वास्तुकार, जो उसको डिजाइन करता है। सूत्र गृहिणी जो होता है वो मुख्य अभियंता, चीफ इंजीनियर। और बर्धानिका जो होता है वो पत्थरों को बिछाने वाला, जो लोग लेबर पर जो काम करते हैं, मजदूर। और तक्षक जो होते हैं वो मूर्तिकार होते हैं, जो वहाँ पर मूर्तियाँ गढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम ओडिशा स्कूल में लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में किया गया था, और इसका जो क्रिएटर था वो था जगती केसरी, 11th सेंचुरी। और जो प्राइमरी डाइटी है वो है हमारी हरिहरा और फिर भुवनेश्वर। ये एक दो चीज़ें आप देख सकते हैं। अब आप इस मंदिर को ध्यान से देखिए। ये मंदिर क्या है कि ये इसका शिखर है, शिखर के ऊपर ये अमालक है और फिर ये कलश है, ठीक है। इसका एक थोड़ा ग्राउंड प्लान देखते हैं हम, होता क्या है मंदिर के अंदर, लिंगराज के अंदर। यहाँ पर तो स्पष्ट नहीं दिख रहा है, यहाँ पर आपको स्पष्ट दिखेगा। ये मुख्य मंदिर है,
ये फिर दूसरा मंदिर, ये तीसरा मंदिर, ये चौथा मंदिर, इसको बोला जाता है भोग मंदिर। ये वाला जो मंदिर है इसको बोलता है नाट मंदिर, और ये वाला जो मंदिर है इसको बोला जाता है जगमोहन, और ये वाला जो मंदिर है इसको बोला जाता है गर्भगृहियाँ। तो भोग मंदिर जो है वहाँ पर आहुति दी जाती है, ये वाला जो मंदिर है ये आहुति होल है, या यहाँ पर लोग जो जो प्रसाद ग्रहण है उसके लिए। नाट मंदिर जो है वो त्यौहार के लिए, नृत्य प्रदर्शन के लिए। जगमोहन जो है वो एक सभा मंडप है, या जिसको आप मंडप बोल सकते हो, वो इकट्ठा होने के लिए जो मंडप है। गर्भगृह जो है वो हमारा मुख्य जो गर्भगृह होता है, जहाँ पर मुख्य देवी देवता स्थापित किया जाता है। शिखर जो है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, उसको देवुल बोला जाता है शिखर को यहाँ पर। और ये एक इसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है कि ये जनरली सीधा होता है, और फिर एकाएक अंदर की ओर मुड़ जाता है, और फिर ये कलश के ऊपर पहुँच जाएगा। तो जनरली होना क्या चाहिए, एक कर्व होना चाहिए ऐसे शिखर के लिए, पर इसमें क्या है कि वो स्ट्रेट लाइन जाएगा, पहले सीधी लाइन और फिर एकाएक अंदर की ओर, और फिर ऐसे। ये इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है, उड़ीसा वाली जो मंदिर है। लिंगराज मंदिर की यदि बात की जाए तो वहाँ पर एक जो शेर है, शेर की एक आकृति बनाई गई है उसके दाईं ओर, जिसको बोला गया उदगज सिंह। ये एक जो मुख्य जो शिखर है उसके बराबर में ये बनाया गया है। ये कोणार्क सूर्य मंदिर की बात करते हैं हम, जो कि 13वीं शताब्दी में बनाया गया, और जो नरसिंह देव प्रथम थे, पूर्वी गंगा राजवंश के जो शासक थे, उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया। लिंगराज मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में किया गया, कोणार्क मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में किया नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। और ये विश्व विरासत स्थल है, और इसको काला पैगोड़ा भी कहा जाता है। और ये चंद्रभागा नदी के किनारे बनाया गया था, और ये सूर्यदेव को समर्पित है, क्योंकि सूर्यदेव की जो पहली किरण है वो गर्भगृह में सीधी पड़ती है प्रत्येक दिन, और इसमें जो है मिथुन जो कपल है उनकी उपस्थिति दिखाई गई है। ये आप देख सकते हैं, ये भी पंचायतन स्टाइल में बनाया गया मंदिर है। ये उसका एक ग्राउंड प्लान है कोणार्क सूर्य मंदिर का, यदि आप इसको देखें तो, जो कि आपको मैंने पहले दिखाया, ये भी कुछ वैसा ही मिलता जुलता है। यहाँ पर एक भोग मंदिर बनाया गया है जो आहुति देने के लिए, यहाँ पर एक नाट मंदिर बनाया गया है, फिर यहाँ पर जगमोहन है, फिर यहाँ पर देवल बनाया गया है। जगन्नाथ मंदिर पुरी में जो बनाया गया वो 12वीं शताब्दी में बनाया गया, 1166 1161 ईस्वी में, और जो इसका क्रिएटर था वो था इंद्र द्युम्ना। इसको सफ़ेद पगोड़ा भी कहा जाता है। देखिए मंदिर यहाँ पर, ये आपको उड़ीसा के जितने भी मंदिर हैं वहाँ पर देखने को मिलेगा, देउल, फिर हमारा मंडप, फिर हमारा भोग मंडप, ये सारी चीज़ें, और भोग मंडप से पहले हमारा मिलेगा जगमोहन। जगन्नाथ मंदिर का एक दूसरा चित्र मैंने यहाँ पर लगाया है। जगन्नाथ मंदिर पुरी जो है वो जो हिंदुओं के जो चार धाम हैं उनमें से एक है। कौन कौन से चार धाम हैं? बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम। जबकि महाभारत में जो बताया गया था पहले, वो बताया गया था बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, लेकिन आधुनिक जो चार धाम हैं वो माने गए बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम। ये पढ़ते कहाँ पर हैं? बद्रीनाथ हमारा उत्तराखंड में है, द्वारका गुजरात, पुरी उड़ीसा, रामेश्वर तमिलनाडु। अब बात करते हैं बैताल देउल, जो मंदिर उड़ीसा में बनाया गया 8वीं शताब्दी में। अब आप थोड़ा याद रखिए, लिंगराज बना 11वीं में, कोणार्क बना 13वीं में, और जगन्नाथ बना हमारा 12वीं शताब्दी में। तो जो बैताल देउल मंदिर है वो खाखरा शैली में बनाया गया, और ये चामुंडा देवी को समर्पित है, और इसको तीनी मुंडिया मंदिर भी कहा जाता है। जो छत्र का यदि आकार देखें आप, यदि इसका छत्र का आकार देखें, वो जो हमारा वल्लभी जो शिखर है उसके स्टाइल में बनाया गया है। मेहराब जो मेहराब नुमा जो शिखर था उसके आकार में इसको बनाया गया है, बेलनाकार आकार है, जो कि दक्षिण भारतीय जो शैली है द्रविड़ उसका जो गोपुरम है उसके जैसा दिखता है। ओके, जो छत का इसके जो आकार है वो उसके जैसा दिख रहा है। उड़ीसा स्कूल का निष्कर्ष देख लेते हैं क्या है कि जो इनकी जो बाहरी दीवारें हैं उन पर जटिल नक्काशी की गई है भव्य सजावट के साथ, लेकिन जो अंदरूनी जो दीवार है वो सादी रखी गई है, वहाँ पर इतनी नक्काशी नहीं की गई है जो बाहरी दीवारों की अपेक्षा। जो बरामदे या जो मंडप है वहाँ पर कोई स्तंभ का प्रयोग नहीं किया गया है, केवल लोहे के शहतीरों का प्रयोग किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, पहली बात अंदरूनी दीवार सादी, दूसरी बात लोहे के शहतीरों का प्रयोग। जो शिखर है उसको रेखा देओल बोला गया, जो मंडप है उसको जगमोहन बोला गया, और सामान्यतः जो मुख्य मंदिर की जो जमीनी योजना है वो वर्गाकार होती थी, और मुख्य मंदिर के चारों ओर दीवार बनाई गई जैसा कि द्रविड़ शैली में भी होता है। अब बात करते हैं खजुराहो स्कूल की।
खजुराहो स्कूल जो है वो चंडेल जो रूलर थे उनके द्वारा इसको स्थापित किया गया, जो मध्य प्रदेश का जो पार्ट है। सबसे पहले बात करते हैं लक्ष्मण मंदिर खजुराहो। लक्ष्मण मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में किया गया और जो प्राइमरी जो डाइटी है, जो देवता देवी देवता हैं, वो है वैकुंठ विष्णु। और इसका जो निर्माण किया गया वो 930 से लेकर 950 ईस्वी में, इसलिए मैंने लिखा 10वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया। और जो इसका क्रिएटर था वो था यशो वर्मन, जो चंडेल रूलर थे। वैकुंठ विष्णु क्या होता है, तीन मुख वाले जो विष्णु हैं उनको वैकुंठ विष्णु बोला गया। यदि आप इसको ध्यान से देखें, ये जो मंदिर है सीढ़ियाँ बनाई गई हैं जाने के लिए, और फिर हम इसको देखेंगे इसके जो फीचर्स हैं वो क्या हैं। ये इसका ग्राउंड प्लान है लक्ष्मण मंदिर का। यहाँ पर इसका गेट हो गया, यहाँ पर सीढ़ियाँ हो गई, यहाँ पर मंडप मिलेगा, अर्धमंडप, फिर मंडप, फिर महामंडप, फिर गर्भगृह, फिर आपको यहाँ पे कुछ सहायक जो मंदिर हैं वो बनाए गए हैं, उसके ऊपर फिर इसको यहाँ पर शिखर बनाया गया है। तो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि खजुराहो में अन्य मंदिरों के विपरीत इसका गर्भगृह पंचरत्न है। पंचरत्न जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जहाँ पर पाँच देवी देवता रखे गए हैं, और या फिर उसका अगर आप शिखर देखें 3, 4, 5, तो एक साइड का शिखर ये हो गया, दूसरी साइड का शिखर ये हो गया। तो शिखर से यदि आप देख सकते हैं तो पंचरत्न ऐसे आपको देखने को मिलेगा। ये मैंने एक चित्र दूसरा लगाया है, ये त्रिरत्न है जिसमें एक साइड में तीन आपको सीढ़ियाँ देखने को मिलेगी, पंचरत्न में आपको पांच देखने को मिलेगी, सप्तरत्न में आपको सात देखने को मिलेगी। लक्ष्मण मंदिर की ओर देख लेते हैं क्या है। जो बाहरी दीवारें हैं वहाँ पर गणेश के कुछ मूर्तिकला लगाई गई है। लक्ष्मण टेम्पल के जो आउटर वॉल हैं उनके ऊपर विष्णु की कुछ मूर्तिकला यहाँ पर लगाई गई है। जो कपल हैं मिथुन, उनकी कुछ कामुक मूर्तिकला वहाँ पर लगाई गई है। कुछ स्कल्पचर हैं नरसिम्हा के जो रूप के, वराह जो विष्णु का रूप है उसके कुछ मूर्तिकला है। जो महिषासुर को जो मारती हुई जो देवी हैं उनके कुछ मूर्तिकला वहाँ पर लगाई गई है, ठीक है। और ये है हो गया हमारा हयग्रीव स्कल्पचर जो वहाँ पर लगाया गया है लक्ष्मण टेम्पल के अंदर। अब बात करते हैं पार्श्वनाथ मंदिर, जिसका निर्माण 10वीं शताब्दी में ही हुआ। इसका निर्माण हुआ 950 से लेकर 970 ईस्वी में। तो इसका जो निर्माण हुआ वो लक्ष्मण मंदिर के बाद हुआ, पार्श्वनाथ मंदिर का जो निर्माण, और ये जैनिज्म से संबंधित है। तो मंदिर के जैन संदिग्धताओं के बावजूद जो इसका बाहरी, यदि आप इसकी बाहरी दीवारें देखें तो वहाँ पर जो नक्काशी की गई है, जो मूर्तिकला की गई है, वो वैष्णव धर्म से संबंधित है। और ये एक विश्व विरासत स्थल है और चंदेल राजा ढंगा द्वारा इसका निर्माण किया गया। मंडप जो है ये हमारा गर्भगृह वाला जो शिखर है, उसके बाद हमारा मंडप हो गया, अर्धमंडप हो गया, अंतराल भी यहाँ पर बनाया गया है। यदि आप उसकी अंदरूनी दीवारों की यदि बात की जाए तो वहाँ पर जो जैन जो तीर्थंकर हैं उनकी मूर्तियाँ यहाँ पर बनाई गई है, पद्मासन आसन में, कायोत्सर्ग मुद्रा में यहाँ पर बनाई गई है, ओके। यदि आप उसकी बाहर की यदि दीवारों की बात की जाए, दीवारों पर जो स्कल्पचर हैं, जो मूर्तिकला है, वो तीन अलग अलग बैंड में बनाई गई है। एक हमारा बैंड ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। यदि आप वहाँ पर देखें तो कुछ देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाई गई हैं, भगवान विष्णु की जो मूर्तियाँ बनाई गई है एक जैन जो मंदिर है उसके ऊपर, और फिर कुछ जो तीर्थंकर हैं उनकी मूर्तियाँ भी वहाँ पर बनाई गई हैं। कमा और रति की मूर्तियाँ भी वहाँ पर देखने को मिलेगी, कुछ कपल्स की मूर्तियाँ हैं। तो ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो हमारा पार्श्वनाथ मंदिर है वहाँ पर भगवान विष्णु और कुछ अप्सराओं की मूर्तियाँ भी बनाई गई हैं। और वहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो मिला है मैजिक स्क्वायर, वो वहाँ पर मिला है पार्श्वनाथ मंदिर के अंदर। ये होता क्या है कि यदि आप इस किसी भी दिशा से इन संख्याओं का आप जोड़ देखेंगे वो आपको सेम ही मिलेगा। इस दिशा से देखें, इस दिशा से देखें, कहीं से भी आप उसको ले लें, इस दिशा से ले लें, तो वो आपको हमेशा एक नंबर ही मिलेगा। तो ये सबसे पहला ऐसा एक मैजिक स्क्वायर अगर मिला है तो पार्श्वनाथ मंदिर में सबसे पहले मिला था। अब बात करते हैं विश्वनाथ मंदिर की, जिसका निर्माण भी 10वीं शताब्दी में हुआ खजुराहो में। और इसका जो निर्माण हुआ वो लक्ष्मण मंदिर के बाद फिर पार्श्वनाथ मंदिर आया और फिर हमारा विश्वनाथ मंदिर। इसका जो आर्किटेक्ट था वो था चीचा, आप ध्यान रखिए इसका नाम।
और जो प्राइमरी डाइटी जो है देवी देवता वो हैं शिवा, भगवान शिव। देखिए ये हमारा कांदेरे महादेव मंदिर से थोड़ा मिलता जुलता है। यदि आप इसको देखें, तीन मंडप यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, फिर शिखर, फिर उपशिखर यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये हमारा जगती, ये अधिष्ठान, ठीक है। ये यदि मुख्य मूर्ति की बात की जाए तो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा शिवलिंग, शिवलिंग की वहाँ पर मूर्ति बनाई गई है। विश्व विरासत स्थल है, चंदेल राजा ढंगा के द्वारा इसका निर्माण किया गया और एक वस्तुकला का एक बहुत महत्वपूर्ण जो उदाहरण है। इसमें शिव पार्वती नंदी की भी मूर्तिकला बनाई गई है। अगर आप इसकी स्कल्पचर मूर्तिकला की यदि बात की जाए तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ बहुत ही कामुक मुद्राएँ बनाई गई हैं। यहाँ पर भी कुछ कामुक मुद्राएँ आप देखने को मिलेगी। इनका मतलब क्या है, आप देखिए ये जो ये मूर्तियाँ बनाई गई, ये कोल और कपलिका संप्रदायों के द्वारा बनाई गई हैं। ये संप्रदाय क्या मानते थे कि ये मानते थे कि जो लोग कामुक प्रलोभनों को सहन कर सकते हैं वो मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, उनका ये मानना था। और इनको ये एहसास करने के लिए था कि कोई इन प्रलोभन से ऊपर उठकर देखे तो उसको मोक्ष प्राप्ति आराम से मिल जाएगी, तो वो उनका औचित्य था इसको बनाने के लिए। कंदरिया महादेव मंदिर जो खजुराहो में बनाया गया, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो सबसे पहला पेज था, इसमें सारे फीचर्स आ जाते हैं। और यदि आप इसको ध्यान से देखें जो इसके शिखर हैं वो एक पर्वत की आकृति को देते हैं, ठीक है, कैलाश जो पर्वत है, तो इसको पर्वत की आकृति भी वहाँ पर देखने को मिलते हैं। और जो प्राइमरी डायटी है वो है शिवा, और इसका जो निर्माण किया गया वो 11वीं शताब्दी 310 1010 में लगभग, और विद्याधर जो थे वो इसके क्रिएटर थे, चंडेल राजा। इसका प्लान है, यदि आप प्लान को देखें जो ये है, ये हमारा अर्धमंडप है, ये मंडप है, ये महामंडप है, ये हमारा अंतराल है, ये गर्भगृह है, और जो हमारा सिक्स्थ है ये हमारा प्रदक्षिणापथ है, यहाँ पर हो गया। सेवन्थ जो है हमारा वो ये कुछ ट्रांसेप्ट यहाँ पर बनाए गए हैं, फिर जगती है और सब्सिडरी अलायंस जो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। यदि आप इसका शिखर देखें तो शिखर जो है उसमें लगभग 84 छोटे छोटे शिखर यहाँ पर बनाए गए हैं। और जो मंदिर की जो बाहरी दीवार है वहाँ पर कुछ कामुक कलाकृतियाँ की गई है। और ये उत्तर भारत के मध्ययुगीन काल में जो संरक्षित मंदिर है उनमें से सबसे उत्तम उदाहरण माना गया। अब बात करते हैं हम सोलंकी स्कूल की। सोलंकी स्कूल जो है वो बनाया, इसका सबसे पहला जो उदाहरण देखते हैं वो है सूर्य मंदिर जो मथुरा में बना 11वीं शताब्दी में 1026, और जो भीमा प्रथम थे उन्होंने इसका निर्माण किया गया। सूर्य कुंड यहाँ पर बनाया गया। प्राइमरी डायटी जो है वो सूर्य है, ये इसका चित्र मैंने यहाँ पर लगाया है। यदि आप इसको देखें ये इसका फ्लोर प्लान है, यहाँ पर एक गुड़ मंडप है, उसके बाद शुभ मंडप है, और उसके बाद हमारा कुंड है, ठीक है। यदि आप गुड़ मंडप को देखें वहीं पर आपको अंतराल देखने को मिलेगा। तो अनिल वाड़ा की जो चालुक्य भी इनको बोला जाता है, सोलंकी को, भीम प्रथम के द्वारा इसका निर्माण किया गया। गर्भगृह, गुड़ मंडप, जिसको गुड़ मंडप के अंदर ही आपका अंतराल मंडप और गर्भगृह तीनों मिलेंगे। और फिर हमारा सब शुभ मंडप है, शुभ मंडप, ठीक है, असेंबली हॉल। ये देखिए ये जो चित्र लगाया है ये गुड़ा मंडप का चित्र है। गुड़ मंडप के चित्र को यदि आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर दो पिलर लगाए हैं और इसमें आगे कोई पिलर नहीं है, पूरी चार दीवारी यहाँ पर बनाई गई है। यहाँ पर कुछ नक्काशी की गई है, हम उसको ध्यान से देखते हैं तो गुड़ मंडप की जो दीवार है, जो सबसे पहले जो स्क्वायर वाले जो पोर्शन है उनको भाट वन भाट टू बोला गया, जो उल्टे कमल की आकृति है उनको पद्मा बोला गया, फिर जो छज्जा निकला हुआ उसको अनरिता बोला गया, उसके बाद फिर दूसरा जो छज्जा है उसको छज्जा वन बोला गया, फिर वहाँ पर कुछ कलाकृतियाँ की गई छज्जे के ऊपर उसको अलिंगा बोला गया, फिर उसके बाद एक और छज्जा आया छज्जा टू, फिर उसके ऊपर कुछ हाथियों की जो आकृति हैं उनको गजथरा बोला गया, गजथरा के ऊपर जो बना उसको नरथरा बोला गया। नरथरा के ऊपर यदि आप जाओगे फिर कुछ जो आकृतियाँ बनाई गई, कुछ द्वार वाली जो आकृतियाँ हैं उनको कुंभा बोला गया, फिर जो छज्जा जो निकल के आया उसको कलश बोला गया, फिर कलश के ऊपर जो दूसरा एक छज्जा है उसको केवल बोला गया, फिर उसके बाद माची बोला गया, और माची के ऊपर फिर जंगा जो मानव आकृतियाँ बनाई गई उनको जंगा बोला गया। ये हमारा शुभ मंडप, यदि आप इसको देखें यहाँ पर कुछ बहुत पिलर यहाँ पर बनाए गए हैं, जो स्तंभ है बहुत सजावट की गई है यहाँ पर। यदि आप शुभ मंडप को देखें नीचे से बात करते हैं तो भाट, फिर पद्मा, फिर अनरिता, फिर छज्जा अलिंगा, छज्जा गजरता, नरथरा, राजसेना, फिर वेदी, फिर असिनोट, फिर कक्षणा, ये कुछ इसके पार्ट्स, दीवार के जो पार्ट हैं ये वाले के यहाँ पर कुछ किए गए हैं। जो शुभ मंडप की जो छत है उसको आप देख सकते हैं, बड़ी महीन नक्काशी वहाँ पर की गई है। जो पिलर हैं पिलर के ऊपर पूरी नक्काशी है ऊपर तक।
ये जो शुभ मंडप है उसके सामने दो पिलर हैं और जो स्तंभ है उन स्तंभों से फिर नीचे जो कुंड है इन पिलर को बोला जाता है कीर्ति तोरण। यहाँ पर पहले एक तोरण होता था, अभी वो खंडित है, अभी नहीं है, यहाँ पर केवल दो स्तंभ है, उसको कीर्ति तोरण बोला जाता था। और नीचे जो सीढ़ियाँ हैं वो तालाब की ओर जाती हैं और तालाब में बहुत छोटी छोटी मंदिर भी बनाए गए हैं। यदि आप इस तालाब को ध्यान से देखें तो चार द्वार यहाँ पर बनाए गए हैं, एक मंदिर की तरफ से, दूसरा फिर जो चारों डायरेक्शन है वहाँ से, ठीक है। यदि आप इस तालाब को ध्यान से देखें, छोटे छोटे मंदिर वहाँ पर बनाए गए हैं। जब आप यहाँ से आते हैं जो एक द्वार है तो जो पहली सीढ़ी है वो अर्धवृत्ताकार है, उसके बाद जितनी भी सीढ़ियाँ हैं तो आप राइट जा सकते हैं, आप लेफ्ट जा सकते हैं, जो सीढ़ियाँ हैं वो आयताकार या वर्गाकार बनाई गई हैं। तो आप ध्यान रखिए पहले सीढ़ी अर्धवृत्ताकार और जो दूसरी सीढ़ियाँ वर्गाकार या और आयताकार, और इसमें बहुत सारी छोटे छोटे मंदिर यहाँ पर बनाए गए हैं जो लकड़ी की नकल के ऊपर बनाए गए हैं। निष्कर्ष देख लेते हैं, मंदिर की जो दीवार है वहाँ पर अलंकरण किया गया है, गर्भगृह जो है मंडप के साथ मिलती हुई बनाई गई है अंदर बाहर दोनों रूप से, जो गोड मंडप हमने पढ़ा। आदित्य विशेषता यह है कि जलाशय की उपस्थिति है जो कि यहाँ पर नहीं मिलती। यदि आप देखो जलाशय उपस्थित नहीं रहता और इसको सूर्य कुंड बोला गया है जो कि दक्षिण भारत की जो द्रविड़ शैली है वहाँ पर स्थित रहता है। वो तो जलाशय में छोटे छोटे मंदिर बनाए गए, बलवा पत्थरों का प्रयोग किया गया, काला बसल का प्रयोग किया गया, कोमल संगमरमर का प्रयोग इनको बनाने के लिए किया गया। और सामान्यतः पूर्वी दिशा में इनका मुख होता था और एक्विनॉक्स के समय क्या होता था, सूर्य की जो पहली किरण है वो सीधे मंदिर में गिरती है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा ये लेक्चर खत्म हो गया नागर शैली का। जब हम अगली बार मिलेंगे द्रविड़ और दूसरी जो शैलियाँ हैं उनको पढ़ेंगे। थोड़ा बैटरी भी लो हो रही है। ओके, थैंक यू।